हेलो। हेलो हाँ, कौन? जी, शादाब बोल रहे हैं? हाँ, शादाब बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं अशीर खान बोल रहा हूँ, बरेली से। हाँ बोलिए। अच्छी बात। परसों मैंने एक कमेंट देखा था आपका, ये सैफ़े रज़ा की पोस्ट पर। वहाँ पे मैंने मुखातिब भी किया था आपको, मगर आपने तवज्जो नहीं की। आपने ये कहा कि हम हुजूर की हद जानते हैं और उनकी हद ये है कि उनको बाज़ इल्मे गैब है। बाज़ इल्मे गैब कहकर तुमने हुजूर की हद मुतय्यन करने की कोशिश की है, तो बाज़ इल्मे गैब से कैसे साबित हुआ कि हुजूर की हद तुम जानते हो? क्या तो आप वहां ये पर नहीं, मैंने हाँ आप ये बताओ बोलिए। शताब साहब, आप ये बताओ, ये बेशक चलो हम भी मानते हैं कि कुल इल्म अल्लाह को है और अल्लाह के मुकाबले पर हुजूर का इल्म बाज है, लेकिन इस बाज की हद क्या है तुम जानते हो? बात की हद तो कोई नहीं जानता। तो तुमने कैसे कह दिया कि हम हुजूर की हद जानते हैं? मैंने कब कहा कि तुम हुजूर की हद जानते हो? पोस्ट क्या थी? पोस्ट ये थी कि सरकार आला हजरत ने एक मोहतरिस को कलम देकर कहा कि आप हुजूर की हद लिख दीजिए, क्योंकि आला हजरत पे एतराज़ ये किया गया था कि आप अल्लाह से मिला देते हो रसूल पाक को, इतनी तारीफ करते हो, तो आला हजरत ने कहा आप हद बयान कर दीजिए। तो पोस्ट ये थी कि हुजूर की हद कोई नहीं जानता। तो उस पोस्ट के रद्द में तुम्हारा जवाब ये था कि हुजूर की हद हमें मालूम है कि हुजूर का इल्म जो है वो बाज है। तो बाज होने से इल्म होने का सबूत तो नहीं मिलता ना, पहले ये बताना पड़ेगा कि हुजूर का जो बाज इल्म है उसकी हद क्या है। हाँ, तो अल्लाह के बंदे, जब मिकदार हमें पता नहीं है, एक हाँ बात ठीक है, ठीक, मिकदार हमें पता नहीं है, हाँ लेकिन हुदूद तो पता है ना कि ये बाग है। फिर ये बाज हुदूद कहाँ हुई? बाज क्या कितना होगा? बाज है? बाज कितना बाज है ये बता सकते हो? तो मिकदार, बाज की मिकदार हम नहीं बता सकते। या समझ रहे ना आप, अल्लाह की, अल्लाह का इल्म जो है जाती है। अब जाती का मिकदार हम नहीं बता सकते कितना है, ठीक है ना। उसी तरह बाज है, तो बाज की मिकदार में हम कलाम नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हारा दावा यह है कि तुम हुजूर की हद जानते हो, हुजूर के इल्म की। क्या मैंने मैंने ये दावा किया ही नहीं। दावा किया तुमने? ये तो दावा किया ना, हुजूर की हद यह है, हुजूर की हद यह है कि उनका इल्म बाज है। तुमने हाँ, लफ्ज बाज को हद के साथ मुतय्यन किया। मैंने हद के साथ नहीं मुतय्यन किया। पहले आप मेरा जवाब पढ़े। मैंने बताओ क्या किया है फिर? मैंने जवाब क्या दिया? देखो, मैंने मैंने कहा था कि भाई बाग इल्म गैब को हद अगर माना जाए, बाग इल्म गैब को, अब मकदार की हालत में नहीं, मकदार की हालत में नहीं, फकत बाग में को माना जाए, और अगर इसको मानकर कुल्ली इल्म गैब जो मान रहे हो उसको मानो, तो फिर ये बात मानकर फायदा क्या हुआ? यहाँ कुल मानने की और बाज मानने की बात नहीं है। कुल यहाँ पे हुजूर के इल्म गैब का मौजू नहीं, ना उनके कुल और बाज का मौजू है। मौजू ये है कि पता है हद इल्म मानकर, का पता। यानी हाँ, हुजूर हद की मान हद मानकर तुमने हुजूर पाक की वो उस हदीस का इनकार किया या नहीं कि सरकार ने अपने कौन सा? सहाबा से फरमाया कि मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता? हाँ, तो बेशक कोई नहीं जानता तो भाई। तुमने मैं कैसे कह दिया कि हम जानते हैं? ये मैंने और इनकार नहीं फिर किया। तुमने दलील ये दी कि एक बाज हुजूर का इल्म गैब बाज है। एक मिनट, मैंने मकदार में हद को नहीं मुतय्यन किया। हद का लफ्ज जैसे मिसाल तुमने हद का लफ्ज भी देता हूँ, इस्तेमाल किया है, मैं तुमने लफ्ज बास का भी मिसाल इस्तेमाल देता किया है। हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, सुनो। ईमान लाने के लिए जैसे के सहाबा किराम कुरान करीम कहते हैं, आमनू आमिनू, ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ने ईमान लाया। अब सहाबा ने जिस तरह ईमान लाया, ये मकदार में बात हो रही है या बस बजाहिर के अंदर बात हो रही है? अरे यार, ये देखो, जवाब तो आपको देना है ना यार, दलील आपने दी है ना, दलील आपने दी मैं है। भी तो दलील, सुनो, मैं भी तो दलील दलील दे रहा हूँ। नहीं, दलील आपने दी है कि हुजूर की हद यह है कि उनका गैब, उनका इल्म जो है वो बाज है, ठीक है ना? हाँ है अभी तो कह रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कब, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मिकदार हाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ बजाहिर की बात कर रहा हूँ कि हुजूर का इल्म बाग है, यार, मकदार पता होगी तभी तो लाजमी बाग है। हद बयान करोगे ना।
مقدار پتہ ہوگی تبھی تو حد بیان کرو گے نا. مقدار پتہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں پر؟ بات تو پتہ ہی ہونے کی ہو رہی ہے نا. بات دیکھو سنو میری بات بہت غور سے. میں اصلاح کے بطور بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں بھی وہی, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ لا متناہی اور لا محدود علم صرف اللہ رب العزت کا ہے. بے شک اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہے. بے شک ہے. اب وہ بات الگ ہے کہ سارے عالم سے سب سے زیادہ علم حضور کا ہے, لیکن حضور کے علم کی بھی ایک انتہا ہے. بے شک ٹھیک ہے, کیونکہ لا متناہی علم اللہ ہی کا ہے اور متناہی علم حضور کا ہے, مگر حضور کے علم کی انتہا اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ جو لفظ میں نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا, تو اسی سے تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضور کے علم کی یا حضور کی عظمت کی حد ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا؟ اب سنو میری بات. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو سارے عالم کا علم ہے تو یہ خدا سے ملانا نہیں ہو گیا. خدا سے ملانا تب ہوتا جب اللہ کا علم بھی صرف اتنا ہی ہوتا کہ اللہ کو سارے عالم کا علم ہے, معاذ اللہ. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں سمندر ہوں. اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ میں یہ مثال دی ہے, مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. کروڑوں سمندر ہوں, ان کروڑوں سمندروں کے مقابلے پہ ایک بوند کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت بھی ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے آگے نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علم سے تو نسبت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ نسبت کب ہوگی؟ متناہی کو متناہی سے نسبت ہوگی. یعنی امتی, یہ تو مثال حضور کے لیے دی جا سکتی ہے کہ حضور کا علم اگر کروڑوں سمندر ہے تو امتی کا علم جو ہے ان کروڑوں سمندروں کے مقابلے پہ ایک بوند کی طرح ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال دی جا سکتی ہے, کیونکہ حضور کا بھی متناہی ہے, امتی کا بھی متناہی ہے. لیکن حضور کا, حضور کی انتہا کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, لیکن امتی کی انتہا کیا ہے یہ رسول جانتے ہیں. لیکن اللہ کا لا متناہی ہے تو لا متناہی سے متناہی کو نسبت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کے متناہی علم کی بھی حد کوئی نہیں جانتا. حضور کے صفات کتنی ہیں؟ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ, ہاں فرمائیے. ہاں تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. اس لیے اپنا کمنٹ چیک کرو, اس کمنٹ کو ڈیلیٹ کرو. بات ہر ضروری نہیں ہے کسی کا رد کرنے کے لیے اپنے عقائد کا ہی خون کر دیا جائے. اگر مثال میری بات سن لو, میری بات سن لو. مثال کے طور پہ ہم علماء دیوبند کو ہمارے نزدیک, ہمارے نزدیک جو ہیں وہ کافر ہیں مثال کے طور پہ. لیکن علماء دیوبند اگر یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت واحد ہے, وہی معبود برحق ہیں, تو اب ان کے اس قول کا ہم رد تھوڑی نہ کریں گے یار. وہ بھلے ہی وہ ہمارے نزدیک کیسے ہے, لیکن جو بات حق ہے وہ تو مانی جائے گی نا. جب ایک سنی یہ کہہ رہا ہے, ایک بریلوی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کی عظمت کی حد کوئی نہیں جانتا, تو تمہیں بھی لبیک کہنا چاہیے کہ ہاں بے شک نہیں جانتا. لیکن ایک بریلوی کا قول ہے اس لیے اس کا رد کر رہے ہو. یہ نہیں, اصل میں میں وہ رد کیا ہے. آپ اس کو رد میں محمول کر رہے ہیں, وہ رد نہیں یار, کھلا مکھلا بحث کر رہے تھے, رد کر رہے ہو, چیلنج کر رہے ہو, پھر کہہ رہے ہو میں رد نہیں کر رہا. پہلے سنے تو سن. آپ نے جس طرح بھی کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متنائی ہے, ایک جگہ جا کر اس کی حد متعین ہے ہمیں, لیکن اس حد کا علم نہیں ہے. ہاں لیکن ہم نے حد تو مان لی نا, حد ہے لیکن حد ہم نہیں جانتے نا. ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہم مانی تو ہے نا, ہم نے مانی تو ہے نا کہ حد ہے. ارے نہیں مانو گے تو وہ لامتناہی میں آ جائے گا نا. ہاں تو وہی اسی لیے میں بول رہا ہوں نا کہ نہیں مانیں گے تو لامتناہی ماننا پڑے گا اگر, اسی لیے ہم نے مان لیا, لیکن اس کی مقدار ہمیں نہیں معلوم. یہ جو مانا ہے نا, بس میں نے وہی مانے کو پیشے نظر رکھ کے جواب دیا تھا.
नहीं, तुम अपने अल्फाज देखना, तुम्हारे अल्फाज अब जो तुम्हारा दावा है ना उसके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल बिलमुकाबिल है। अगर ठीक है चले आपको अगर ऐसा अगर 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 तुम्हारा कमेंट गलत है तो रुजू करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। जी जी, अभी अगर मेरा कोई जुमला गलत लगता हो तो मुझे मुतनब्बे करो, मुझे बताओ, मैं अगर गलत होगा तो मैं रुजू करूंगा। नहीं इंशाल्लाह मैं इस पर कमेंट देखकर वापस से कमेंट देखो करता हूँ, वरना अगर वाकई रुजू की बात होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपको खुद मेंशन कर कर बता दूंगी, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये कि हमारा अकीदा यही है कि हुजूर का इल्म महदूद है, लेकिन वो बात अलग है कि हम जानते नहीं, बल्कि कोई नहीं जानता। बेशक ये तो हमारा बेहतर है। हाँ? और खुद देवबंदियों के जो अकाबिर हैं यानी कासिम नानूतवी ने तहजीरुन नास में खुद लिखा है कि तमाम अव्वल व आखिरीन के उलूम हुजूर की जात में मुजतमे हैं। जी बेशक है। और कसीदा बुर्दा में लिखा हुआ है कि हुजूर का ये जो इल्म माकाना व मा यकून है ये भी हुजूर के उलूम का एक टुकड़ा है, लोहे महफूज भी एक टुकड़ा है। तो उनकी हद तो हम जानते ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हुजूर को सारे आलम का इल्म है तो हम हुजूर का कुल इल्म बयान नहीं कर रहे हैं, हम कुल इल्म बयान नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि मैं अशरफ अली थानवी का नाम जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सारे उलमा देवबंद में से किसी और का जानता ही नहीं, बल्कि बयान सिर्फ थानवी का किया है, लेकिन इसके अलावा मैं और उलमा का भी जानता हूँ। तो इसी तरह से हुजूर को जब हम ये कहते हैं कि उनको सारे आलम का इल्म है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आलम ही का इल्म है, बल्कि सारे आलम का इल्म भी हुजूर के उलूम का एक टुकड़ा है। क्योंकि अब एक मिसाल देता हूँ इस पर, मैं बहुत गौर से सुनना, ये सारे आलम का इल्म जो है ना वो अल्लाह की मार्फत के आगे कुछ नहीं है। अब कौन ये कह सकता है कि हुजूर को अल्लाह की मार्फत नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा हुजूर को मार्फत है। तो अल्लाह की मार्फत के मुकाबले में सारे आलम का इल्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर सारे आलम के इल्म का इनकार कोई करेगा तो अल्लाह की मार्फत का भी इनकार कर रहा है जो हुजूर को मिली है, और ये मार्फत बढ़ती चली जाएगी हमेशा, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की मार्फत लामुतनाही है, क्योंकि इंतहा है ही नहीं अल्लाह की बढ़ाई की, तो वो लामुतनाही है और हुजूर को उस पे फैज हासिल हमेशा होता चला जाएगा, हुजूर की मार्फत बढ़ती चली जाएगी, जितनी मार्फत बढ़ती चली जाएगी हुजूर का इल्म बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात? रद्द करने से पहले ये सुन्नियों को भी मैं कहता हूँ अक्सर और देवबंदियों को भी कहता हूँ, रद्द करने से पहले समझ लो कि सामने वाले का असल अकीदा क्या है और हमारा इस्लामी अकीदा क्या है, किस हैसियत से हमें रद्द करना है, किस हैसियत का उसका अकीदा, तोल लो मोल लो फिर बोलो। अब ये नहीं कि सिर्फ ये देख लिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देख लिया कि सामने तो देवबंदी है बस उसको काट के रख देना, ऐसा नहीं है। अगर देवबंदी है कोई, अगर उसने शरीयत के मुताबिक बात की है तो उसको मानना पड़ेगा, अगर कोई बरेलवी है उसने शरीयत के मुताबिक बात की है तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देवबंदी है तो उसको काटना ही है चाहे वो हक बोले, हमारा ये सेवा नहीं है। बाज इल्जामी अंदाज भी होता है ना, बुरहानी और इल्जामी अंदाज, उसमें लोग फंस जाते हैं सर तरीके से, ये अंदाज बन चुका है। हाँ तो ये सोचना चाहिए ना। मैं देखता हूँ ना कि अगर किसी ने हुजूर की तारीफ में भी कुछ लिख दिया है तो कुछ लोग सिर्फ ये देखकर आ जाते हैं कि यार ये बरेलवी की पोस्ट है, बस सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, जैसे वो कामरान जमीर है। अब मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ, कामरान जमीर ने एक पोस्ट की है हुजूर के हाजिर और नाजिर होने की नफी में कि हुजूर की रूह जो है जमीन पे कभी आती है कभी जाती है, तो तुम हर वक्त हाजिर और नाजिर कैसे मानते हो, उसका एतराज ये है। मैंने उससे सवाल ये किया है कि हुजूर की जो जात है वो मुसलमानों की जानों से ज्यादा करीब है कि नहीं। खुद कासिम नानूतवी ने तहजीर उन्नास ही में लिखा है कुरान की एक आयत का तर्जुमा लिखते हुए, अन नबियो औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसहिम, बिलमुमिनीन मिन अनफुसहिम, मुसलमानों की जान हुजूर जो है मुसलमानों की जानों से ज्यादा करीब तर हैं। अब जब हुजूर जानों से ज्यादा करीब हैं तो अब उनकी रूह मुबारक आए या जाए वो तो करीब हैं तो रहेंगे,
اور ان کا قریب رہنا ہی حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے. فی الحال یہ ایک الگ میٹر ہے. میرا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے اس قول کو واپس لو اور رجوع کرو, وہ کمنٹ ڈیلیٹ کرو. نہیں, میں اگر دیکھ لیتا ہوں, اگر واقعی میں کچھ اس میں نقص نظر آیا تو انشاءاللہ ٹھیک ڈیلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے, میں ہاں امید کرتا ہوں کہ تم میری بات مانو گے. جی جی, جزاکم اللہ خیر. چلو ٹھیک ہے, اللہ ہدایت دے.